करनी सेना सुप्रीमो सुखदेव सिंह अगोगा मेड़ी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार में करनी सेना के विस्तार पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने वीर कुंवर सिंह के वंशज की हत्या के मामले में जांच की मांग की। साथ ही लाउडस्पीकर विवाद पर कहा कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटना चाहिए तो ठीक है। वहीं उन्होंने बिहार में बिजली की समस्या को खत्म करने की मांग की। परगाम जाके वहाँ एक यज्ञ चल रहा है। पिछले 10-12 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष रिंकू सिंह मुखिया जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें मैं भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। अभी निकलेंगे बड़गांव के लिए और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। यहाँ कुछ दिन पहले कुंवर सिंह बीजोत्सव की चर्चा हो रही थी, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने बीजोत्सव मनाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक थी जो उनके परिवार के एक नौजवान की हत्या हुई थी, उसके बावजूद बीजोत्सव मनाना, क्या मानते हैं पूरे प्रकरण को? भाई, स्वतंत्रता सेनानी थे बाबू कंवर बीर सिंह जी, उत्सव विजय उत्सव मनाएं कोई दिक्कत नहीं, उनकी 13वीं हो चुकी थी, पर विजय उत्सव, एक तरफ विजय उत्सव मनाया जा रहा था, एक तरफ बाबू कंवर वीर सिंह जी की परपोत्र की जो बहू थी उनके परिवार की, उसको नज़रबंद कर रखा था। इसकी करनी सेना कड़े शब्दों में निंदा करती है। सरकार को जांच कराना चाहिए कि ये राज्य सरकार के इशारे पे हुआ या केंद्र के इशारे पे उनको नज़रबंद किया गया। स्वतंत्रता सेना ने परिवार आज इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी? आजकल बड़ी चर्चा है धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर को लेकर, क्या मानती है करनी सेना, क्या लाउडस्पीकर, ये जो लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों पे जो चल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम क्षत्रिय जो हमारे पूर्वज थे, 565 रियासतें इसलिए दान की थी इस देश को कि एक देश एक कानून हो। ये जो स्पीकर उतारे जा रहे हैं, मंदिर से उतारे जा रहे हैं तो गुरुद्वारे से भी उतारे जा रहे हैं तो मस्जिद से भी उतर रहे हैं तो चर्च से भी, जहाँ भी जो धार्मिक स्थल है उतारे जाए तो सबके उतारे जाए, नहीं तो सभी के लगाए जाए। ये चाहती है करनी सेना। करनी सेना ये नहीं चाहती कि स्पीकर उतारो अभियान चला करके इस देश के युवाओं का ध्यान भटकाया जाए। देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, देश के युवाओं को आज लाइट की जरूरत है। 16 प्रदेशों के अंदर, इस देश के अंदर लाइट के लिए त्राई त्राई हो रही है, बिजली के कट लग रहे हैं भयंकर भयंकर। हम ये चाहते हैं इस देश का नौजवान इस कड़कड़ाती गर्मी के अंदर जो आर्मी की तैयारी करता है, पिछले 4 वर्षों से आर्मी की भर्ती नहीं हुई, ओवरेज होने को जा रहा है, उसको रोजगार दें, आर्मी की भर्ती खोली जाए, इस देश के अंदर भाईचारा अमन चैन बना रहे, उसके लिए हम ये चाहते हैं आप यज्ञ करवाओ, आप चर्च में जाओ, आप गुरुद्वारे में जाओ या आप मस्जिद में जाओ, पर भाईचारा इस देश में बना रहे। ये अखंड भारत या तो नाम क्यों दिया, नाम दिया तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।